सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल मर्डर केस के बाद बाहुबली अतीक अहमद की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में तमाम तरीके के सवाल हैं। अतीक को मीडिया कर्मी बनकर गोली मारने वाले तीन हमलावर पुलिस की हिरासत में हैं, लेकिन ये वही अतीक अहमद है जिसने साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश आने के दौरान तमाम मौकों पर ये कहा था कि मैं मीडिया के बीच में हूँ तो सुरक्षित हूँ, मीडिया के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश आने के दौरान तमाम बार मीडिया के लोगों ने ये पूछा था कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। अतीक अहमद ने कहा कि आप लोग हैं तो मुझे डर नहीं लग रहा, आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। लग रहा है आप लोग वो तो नहीं लग रहा है। मीडिया से मीडिया है इसलिए डर नहीं लग रहा कहना चाहते हो? लेकिन प्रयागराज में शनिवार को अतीक अहमद को मीडिया के लोगों के बीच ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अतीक अहमद के उन बयानों को सुनाते हैं जो उसने प्रयागराज आते समय मीडिया को दिए थे। लग रहा है आप लोग वो तो नहीं लग रहा मीडिया से मीडिया है इसलिए डर नहीं लग रहा कहना चाहते हो? लेकिन पछतावा है अपने किए पर? पछतावा है? उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज है। बाप के बेटा फरार, आपका बेटा फरार क्यों है? नाबालिग बेटा है। जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? नाबालिग बेटा है। आपकी पत्नी फरार क्यों है? सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं कि जिस तरह से ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हम संतुष्ट हैं आप लोग की मेहनत देख के। आप लोग अपना कर्तव्य इतने अच्छे से निभा रहे हो। नहीं, इतने सारे मामले आपके सामने आ रहे हैं, क्या उसके बारे में कहना है, आपकी सफाई क्या है? अब ये सब समय की बात है, कोर्ट से फैसला होगा, कोर्ट का जो फैसला है मानेंगे, लेकिन जो मुझको सजा हुई है वो अपराध में जो हुई है वो सजा ज्यादा गलत सजा होगी। लेकिन आपके परिवार के लोगों को भी आप क्या उसको चैलेंज कर रहे हैं आगे? क्या आप उसे चैलेंज करेंगे आगे? अतीक अतीक क्या चैलेंज करेंगे? अतीक क्या आप चैलेंज करेंगे? अतीक जेल में बैठे हुए आपके ऊपर मर्डर करने का आरोप है। अतीक आपके परिवार के लोगों को भी इस मामले में अक्यूज बनाया गया है। आपके परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है आरोप में। सरकार से कुछ मांग है आपकी? आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहते हैं? न्याय करें, महिलाओं को बच्चों को जुड़ा न करें।